फाइनली दोस्तों ये है 2023 की न्यूली लॉन्च होंडा साइन 100cc E20 OED2 सेंसर के साथ। इस बाइक में क्या क्या फीचर्स कंपनी ने दिए हैं, माइलेज और टॉप स्पीड कितनी है और बाइक की ऑन रोड कीमत क्या है, क्या ये बाइक प्लेटिना 100 TPS स्पोर्ट और HF डीलक्स से बढ़िया बाइक है। सबसे पहले कलर की बात करें तो इस कलर का नाम है ब्लैक विद गोल्ड और दूसरा जो बगल में खड़ा है उसका नाम है ब्लैक विद रेड। तो टोटल 5 कलर में मिल जाती है, इसके अलावा 3 कलर और मिल जाते हैं। अगर आप इसकी पेट्रोल टंकी के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर होंडा का स्टिकर लगा हुआ है, 3D में नहीं है। और बाकी जो ग्राफिक्स हैं वो सिल्वर कलर, ग्रे कलर और गोल्डन कलर और थोड़े से येलो कलर के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर दिए गए हैं। बाइक का जो टैंक है वो आपको 9 लीटर का मिल जाता है। बाकी साइड पैनल के ऊपर में शाइन यहाँ पर आपको स्टिकर से लिखा हुआ है, जिसमें भी आपको गोल्डन कलर वाले ग्राफिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर छोटा सा जो है वो आपको क्रोम का पार्ट मिलेगा, फुल फाइबर बॉडी का सेटअप है, ESP की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी इसके पेट्रोल टंकी के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर E20 लिखा हुआ है। ये बाइक जो है वो E20 पेट्रोल से चलने वाली है। अब इसमें जो है वो कंपनी ने, जैसा कि आप जानते हैं, 1 अप्रैल 2023 से सभी बाइक में आपको OBD2 सेंसर जो है वो साथ में आ रहे हैं। तो ये बाइक अब 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल को डालकर चलने वाली है। माइलेज की अगर बात करें तो 70 से 75 प्लस का ये बाइक आपको आसानी से माइलेज दे देगी, और नहीं पे 40 से 50 की स्पीड में अगर आप उसको चलाते हैं। तो बाइक का जो टैंक है वो छोटा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। बाकी इसकी जो हैंडल बार आप देख रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दी गई है, और बाइक का जो मीटर है वो आपको वही CD110 वाला ही मिल जाएगा, होंडा की ब्रांडिंग है। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिया गया। यहाँ पर आपको हेडलाइट और साइड में आपको मिलता है बड़ा सा स्पीडोमीटर, वो भी एनालॉग में। बाइक में आपको इकोनॉमी जोन मिल जाता है। टॉप स्पीड की बात करें तो ये बाइक आपको 80 से 85 की टॉप स्पीड निकालकर दे देती है। ये जो मिरर है आपको वही एक्टिवा वाले दिए गए, इसमें आपको पासिंग का बटन नहीं दिया गया, सिर्फ यहाँ पर आपको अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न का बटन दिया गया है। क्लच की अगर बात करें तो क्लच भी काफी लाइट है दबाने में, यहाँ पर आपको बाहर एंड नहीं मिलेंगे। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है जब डीलक्स की तरह। सबसे पहले एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करें, ये है इंजन साउंड। तो साइन 125cc के मुकाबले इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा हल्का है, और बाकी यहाँ पर आपको 677mm की लंबाई की सीट मिलती है। इसके अंदर की जो कुशन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो हम नहीं कह सकते। बाकी 785mm की सीट हाइट मिलती है। बाकी काउल के ऊपर भी आपको ग्राफिक्स की पट्टियां मिल जाती हैं। पीछे में आपको सिंगल पीस ग्रैब हैंडल मिलता है एल्युमिनियम बॉडी का। जो टेल लाइट है वो भी आपको हैलोजन में मिलती है नॉर्मल बल्ब के साथ। ऊपर में होंडा का स्टिकर, हैलोजन वाले थोड़े से फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं, और नीचे में रिफ्लेक्टर दिया गया। बाकी जो मडगार्ड है ये भी काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का दिया गया। दोस्तों सबसे पहले मैं इंजन को यहाँ से बंद कर देता हूँ। अभी हम इसके रियर पोर्शन की तरफ चलें तो पीछे में आपको नॉन एडजस्टेबल स्प्रिंग वाले हाइड्रोलिक सस्पेंशन का सेटअप मिलता है, जिसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। 3017 का यहाँ पर आपको सिर्फ ट्यूब वाला टायर मिलता है, इसमें ट्यूब डला हुआ है, ट्यूबलेस टायर ये नहीं है। पीछे में 110mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएगी कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ, और ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं SP125 जैसा ही है डिजाइन के हिसाब से। इसके ऊपर में सिल्वर कलर का मफलर गार्ड है, एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं। बाइक में केक और सेल्फ दोनों ही चीजें आपको साथ में मिलेंगी। इसमें होंडा की ब्रांडिंग है। यहाँ पर इंजन ऑयल का कैप, इंजन ऑयल फिल्टर दिया गया, ये है ब्रेक पैड। 168mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ये जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है ये थोड़ा सा ओपन है, अगर इसके ऊपर में मेटल की प्लेट होती तो काफी अच्छा रहता। सिंगल क्रेडल फ्रेम दिया है, ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर दिया गया है। इसमें 98.98cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 FI इंजन दिया है। ये इंजन 7.28 BHP की पावर देता है, और ये इंजन 8.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक का जो टॉर्क है वो स्प्लेंडर प्लस के बराबर है। दोस्तों बाकी इसके फ्रंट हेडलाइट की अगर हम बात करें तो अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो CD110 लगेगी, और यहाँ पर आपको हैलोजन वाले टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। ऊपर में जो वाइजर आप देख रहे हैं ये देखने में आगे से तो CD110 है, लेकिन अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो थोड़ी सी शाइन की याद दिलाएगा। साइड में भी आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बाइक में आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हैलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलता है, डायरेक्ट बैटरी से ऑन नहीं होती है। जब भी आप जो है वो इसके इंजन को ऑन करेंगे तभी इसकी जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाती है। बाकी जो विजिबिलिटी है वो आपको काफी बेहतरीन मिल जाएगी। इसके अगले वाले मडगार्ड के ऊपर में कोई भी कलर कोटिंग आपको नहीं मिलेगी, बिना कलर कोटिंग का मडगार्ड है, वो भी फाइबर बॉडी के साथ। साइड में रिफ्लेक्टर और फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन का सेटअप मिल जाता है। अगर बाइक की दूसरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर नट के ऊपर में जो है वो रबर का यूज किया गया, जिससे जंग वगैरह ना लगे। फ्रंट में कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिल जाता है, दोनों ब्रेक एक साथ काम करती है। 2-75-17 का यहाँ पर आपको ट्यूब वाला टायर मिलता है, ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक में देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरह की बेसिक चीजें आपको जो है वो HF डीलक्स और TVS स्पोर्ट और प्लेटिना 100 में दी जाती है। यहाँ पर आपको लेडी प्लेन के कंफर्ट और सेफ्टी के लिए ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड दिया गया। बाकी जो चेनसेट कवर आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक बॉडी का, बिल्ड क्वालिटी काफी ठीक ठाक है। और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटबैक्स मिल जाते हैं, जिसमें मेटल और रबर का यूज किया गया। यहाँ से आप टायर के प्रेशर को चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेन में ऑयल वगैरह डाल सकते हैं। इसके गियर बॉक्स की बात करें तो बाइक में 4 गियर मिल जाते हैं, जो चारों गियर है वो AD से मतलब की पीछे की तरफ डाले जाते हैं। और यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर का फीचर दिया है, मैंने साइड स्टैंड को भी डाउन कर दिया है। बाइक जो है वो स्टार्ट तो हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रल में है, लेकिन जैसे ही मैं क्लच को दबाऊंगा गियर डालूंगा तो इंजन इसका तुरंत बंद हो जाएगा सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से। अब इसके फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो भाई TVS स्पोर्ट और HF डीलक्स बाइक से इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो मुझे काफी ठीक ठाक लगी, और इंजन भी इसका काफी रिलायबल है। बाकी प्लेटिना जो है वो थोड़ी सी इसको टक्कर दे सकती है। अब हम प्राइस की बात करते हैं, साइन 100cc की एक्सोरूम कीमत है 64,900 रुपए, ऑन रोड